खबर ये आ रही है कि दिल्ली में संसद भवन में नड्डा से, यानी कि जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मिले हैं भूपेंद्र यादव। मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रहे हैं भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी बैठक में मौजूद। तो ये खबर इस समय की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है, तमाम नाम इस मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं और खुद भूपेंद्र यादव का नाम भी उसमें शामिल है, प्रभारी रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव के। और वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश में, उनको भी ये, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब सबके जहन में सवाल ये है कि आखिर जो नामों की एक लंबी फहरिस्त है मुख्यमंत्री की रेस के अंदर, चुनाव के नतीजे आने के बाद शानदार जीत हासिल की है बीजेपी ने इन चुनाव में, हालांकि बीजेपी ने इन चुनाव में किसी को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब सवाल यह है कि सीएम आखिर बनेगा कौन। अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मसले पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए। अखिलेश, कयास तो यही है कि बैठक का जो केंद्र है, मंथन का जो केंद्र है, वो सीएम को लेकर ही होगा। हाँ, इसी चीज को लेकर के हो रही कि पहली बात तो ये कि विधायक दल की बैठक कब बुलानी है, ये पहले फैसला होना है। उसके बाद विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक दिल्ली से कौन भेजे जाएंगे, ये भी निर्णय किया जाना है कि पर्यवेक्षकों के नाम किए जाने हैं, और इसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, और साथ ही ये बात भी है कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि जाति समीकरणों को, क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सके। ये सारे विषय हैं जिस पर की चर्चा हो रही है और लगातार ये बैठकों का सिलसिला कल से ही शुरू हुआ है। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के भी जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, साथ ही इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में जो केंद्रीय मंत्री शामिल थे उन्हें भी सबको यहाँ पर दिल्ली बुलाया गया और सबसे एक एक करके मुलाकात हो रही है, सबका फीडबैक लिया जा रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि इससे पहले जब ये लोग आए हैं दिल्ली, उससे पहले ये अलग अलग राजधानियों में जो तमाम नव निर्वाचित विधायक है उनसे बातचीत करके आए हैं। तो इस तरह से शुरुआत कटोर लिया गया है कि सबका मन क्या है और फिर उसी के हिसाब से आगे का फैसला किया जाएगा। जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पैरामीटर्स क्या होंगे, आखिर दायरा क्या होगा, समीकरण वो कौन से जहन में होंगे जिनके आधार पर नाम को तय किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा तो दायरा है यही कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी को एक बार फिर से शत प्रतिशत लोकसभा सीटें दिलवा सके, ऐसा कोई चेहरा होना चाहिए। और दूसरा दायरा ये रहेगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं जिनके बूते पर बीजेपी को भरोसा है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में दोबारा जीत कर आ सकती है, उनका जमीन पर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कौन कर सके, ये भी एक क्राइटेरिया रहेगा। तीसरा क्राइटेरिया जाति और क्षेत्र का जो संतुलन है उसको भी साधना, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है आप जानते हैं, तो उसके हिसाब से भी फैसला किया जाएगा। इसीलिए अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर कोई समीकरण नहीं बैठ रहा हो तो साथ में उप मुख्यमंत्री भी रखे जा सकते हैं, ये भी एक सुझाव आया जिस पर की चर्चा हो रही। तो ये सारी बातें हैं जिन पर की मंथन चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।